हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम आवर केरला ट्रिप। ये हमारा फोर्थ डे था और ट्रिप का, और इस दिन हमें मुन्नार से एलेपी जाना था और एलेपी का जो मेन अट्रैक्शन रहता है हाउस बोट, उसमें स्टे करना था। सो हाउस बोट में चेक इन का टाइम जनरली 12 से 1 बजे के बीच रहता है और उसके बाद ही आपका डे क्रूज स्टार्ट होता है एक वेलकम ड्रिंक के साथ। मुन्नार से एलेपी की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 172 किलोमीटर्स थी। सो हमें मुन्नार से अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा। अराउंड 7:30 पे हम निकल गए थे और हमें एलेपी पहुँचते पहुँचते दिन के 1 बज गया था। सो रास्ता काफ़ी सुंदर था एलेपी जाने का, और रास्ते में ये कुछ अलग से दिखने वाले फ्रूट्स दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे लोग इन्हें बेच रहे थे। सो हमने ख़रीदे, इनको रामबूटान कहते हैं। ये बिल्कुल लीची जैसे थे, एंड दे वर वेरी नाइस। सो एलेपी के बैक वाटर्स ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। सो सबके हाउस बोट के बोर्डिंग पॉइंट्स अलग अलग रहते हैं। जो हमारी हाउस बोट थी वो एलेपी के एक चुंगम एरिया है, वहाँ पर थी। सो हमने चुंगम पहुँच के अपने हाउस बोट बोर्ड की। हाउस बोट्स 3 टाइप की होती हैं, डिलक्स, प्रीमियर और लग्जरी। तो ये हमारी लग्जरी हाउस बोट थी। इन तीनों में डिफरेंस क्या रहता है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं हाउस बोट में। इसमें एक इन हाउस शेफ़ रहता है और एक ड्राइवर रहते हैं। ये एक छोटा सा टूर है हाउस बोट का, जिसमें आप लिविंग रूम देख सकते हैं। यहाँ पर बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं अपने डे क्रूज को, और साथ में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर यहाँ पे बैठ के आप कर सकते हैं। सो यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इस बोट में ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। ये एक 1 BHK टाइप अपार्टमेंट रहता है, जिसमें AC से लेके, फ्रिज से लेके, TV से लेके, किचन, वॉशरूम, हर चीज़ अवेलेबल रहता है। सो अब हमारा क्रूज स्टार्ट हो गया है। ये 3 टाइप की जो हाउस बोट्स होती हैं, इनमें बेसिकली डिफरेंस प्राइसिंग का रहता है और AC और विंडो कवरेज का रहता है। सो डिलक्स जो होती हैं वो थोड़ी सी कम कॉस्ट में मिल जाती है। इसमें रहता है कि जो बेडरूम में AC होता है वो सिर्फ उसकी फिक्स टाइमिंग रहती है, और इसमें लिविंग रूम में कोई AC नहीं होता। तो रात को 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक का आप इसमें अपने बेडरूम में AC चला सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है वो प्रीमियर हाउस बोट की होती है, जिसमें AC आप अपने बेडरूम में 24/7 यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें भी लिविंग रूम में AC नहीं रहता। और ये जो इसका लिविंग रूम होता है, ये ग्लास पैनल से कवर्ड नहीं रहता। और जो थर्ड टाइप की बोट होती है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बट इनका जो लग्जरी रहती है, इसमें ग्लास पैनल होता है, पूरा प्रॉपर कवर्ड रहता है, और इसका जो AC रहता है वो लिविंग रूम में भी होता है और बेडरूम में भी होता है, और आप इसे 24/7 यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग मानसून के टाइम गए थे, और हाउस बोट का थोड़ा ऐसा रहता है कि 5 बजे तक का ही डे क्रूज रहता है, और उसके बाद बोट को स्टैंड बाय एक जगह, एक लोकेशन पे जो उनके ओनर होते हैं वो खड़ा कर देते हैं। तो उसके बाद बोट एक जगह पे ही रहती है, ओवरनाइट भी मूवमेंट नहीं रहता। तो इसलिए हमने सोचा कि कहीं इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज, फ्लाइज की वजह से हमने लग्जरी हाउस बोट पे किया। सो एलेपी को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी वेनिस के जैसे बहुत बड़ा नेटवर्क है बैक वाटर्स का, जिसमें मोर देन 1000 हाउस बोट्स हैं। यहाँ के लोगों की जो रेवेन्यू जनरेशन है, और जो यहाँ का जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, वो हाउस बोट्स के थ्रू ही आता है, क्योंकि ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो हाउस बोट्स में रुकते हैं, और यहाँ के लोगों को उससे बहुत फ़ायदा रहता है। बैकवाटर्स जनरली कैनाल्स और लेगून्स के नेटवर्क को बोलते हैं, और केरला में जो बैकवाटर्स हैं, ये एक लेक है जिसका नाम है वेबनाड लेक, उस पर है। बट एक्चुअल में ये फ्रेश रिवर वाटर ही है जो ऊपर से बह के आया है, और फिर इसको यहाँ के विलेजर्स ने, यहाँ पे पैडी की खेती बहुत होती है, तो पैडी फील्ड्स में और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और यही पानी आगे जाके फिर अरेबियन सी में मर्ज हो जाता है। एलेपी एक छोटा सा कोस्टल टाउन है जो वेम्बनाड लेक के किनारे बसा हुआ है। एक साइड से एलेपी में ब्यूटीफुल कैनाल्स और रिवर्स हैं, तो दूसरी साइड अरेबियन सी है। इस टाउन का मेन ट्रांसपोर्टेशन ही बोट्स के थ्रू होता है। लोकल्स कहीं भी आने जाने के लिए बोट्स ही यूज़ करते हैं, और अगर उनको कुछ सामान लाना है, गैस सिलेंडर है, ग्रॉसरीज है, तो वो भी इसके थ्रू ही लेके आते हैं। सो एक घंटे का लंच होता है, और उस टाइम पे ही ड्राइवर और शेफ भी लंच करते हैं, और एक घंटे के लिए बोट को बीच लेक में हॉल्ट कर दिया जाता है।
तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, लोकल वेजीज से बनाया गया था और साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया था इसका प्रिपरेशन। इस टाइम पर जनरली सारी हाउस बोट्स एक घंटे के लिए रुक जाती हैं इन द मिडल ऑफ द लेक और ड्राइवर भी लंच करते हैं। आप देख सकते हैं आप सब सारी हाउस बोट्स एक जगह पर रुकी हुई हैं। सो इस टाइम पर ड्राइवर की एब्सेंस का फ़ायदा उठाते हुए स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हुए जस्ट पोज की हमने बहुत सारी पिक्स क्लिक कराई। सो चारों तरफ बस पानी था और बीच में हम तो काफ़ी सुंदर व्यू था। इस डे क्रूज का जो टाइम रहता है वो शाम के 5 बजे तक होता है। सो अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम था। सो वी थॉट लाइक जो है बैक वाटर्स लाइक लोकल्स, सो वी ड्रेस्ड अप जस्ट टू हैव अ फील ऑफ देयर कल्चर। सो 5 बज गए थे, हमने उसके बाद टी एंड स्नैक्स लिया और उसके बाद जो हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने बोट को साइड में लगा दिया। अब ये बोट कल सुबह तक ऐसे ही रहेगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 1 घंटा हमें और टूर पे ले जाएंगे और उसके बाद वो हमें हमारी डेस्टिनेशन पे छोड़ देंगे। सो इस टाइम पे हमारे ड्राइवर ने हमें एक पेड मोटर बोट राइड ऑफर करी जो कि 1 घंटे के लिए थी। हाउस बोट के अंदर बैठ के व्यूज़ इन्जॉय करना भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ट्रस्ट मी ओपन बोट में बैठ के बैक वाटर्स को एक्सपीरियंस करने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। The serene backwaters and lush green paddy fields and beautiful coconut trees were looking just amazing. So open boat ride experience is really must अगर आप केरला में आएँ। यहाँ की जो हवा थी वो काफ़ी, इसमें कुछ अलग ही बात थी, प्लस वो सनसेट का टाइम था तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा था सब कुछ। बोट वाले जो भैया थे वो हमें एक फ़ोटो पॉइंट में लेके गए। उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी होती है और यहाँ से काफ़ी अच्छा सनसेट और व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। सो ट्रस्ट मी सेटिंग सन नेवर लुक दिस ब्यूटीफुल, बहुत ही डिवाइनली पीसफुल लग रहा था सब कुछ। जो लोग बोलते हैं ना कि केरला इज़ लाइक गॉड ओन्स कंट्री, वो एकदम 100% बात सच है। केरला इज़ रियली ब्यूटीफुल और एक अलग ही पीसफुल सी वाइब है यहाँ पे। देन नेक्स्ट डे हम एलिपी बीच गए, इट वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। बीच वेव्स की साउंड बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होती है। एलिपी बीच में जो स्ट्रक्चर है ये 140 ईयर ओल्ड है जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था और यहाँ पे एक लाइट हाउस हुआ करता था, तो ये काफ़ी देखने लायक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ओके ओशन के बीच में ही ऐसा रास्ता सा बनाया हुआ है। सो ओके मैं एक बात बताना भूल गई कि हमने वहाँ पे डिनर भी किया था हाउस बोट में, एंड डिनर वॉज ऑल्सो वेरी गुड। और उसमें आप दो टाइप के ऑप्शन रहते हैं, आप वेज ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, आप नॉन वेज भी चूज़ कर सकते हैं अपने मील्स में। हमें वेज लेना था सो हमने लंच एंड डिनर दोनों वेज ही ऑप्ट किया था, बट अगर आप चाहें तो आप नॉन वेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कोची को निकल गए सिंस हमारी इवनिंग में फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। कोची में हमने बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हमारे पास 2-3 घंटे का टाइम था। सो हम लोग फोर्ट कोची बीच गए और एक दो जगह एक्सप्लोर की जैसे वहाँ के म्यूज़ियम वगैरह। सो कोची वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। देन फाइनली वी हैड आर लंच इन कोची और वी एंडेड आर ट्रिप विद द मच अवेटेड सद्या मील। आप केरला आए तो बनाना लीफ में सद्या मील को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है खाने में। एंड इसका जो बनाना पायसम था ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो डू ट्राई वंस टू हैव एन एसेंस ऑफ रिच केरला कल्चर। एंड फाइनली विद लॉट्स ऑफ मेमोरीज वी वेव्ड गुड बाय टू केरला एंड एंडेड आवर 5 डेज ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।